बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे माय लेक्चर इज़ ऑन अपोलोनियस आइडेंटिटी। अपोलोनियस आइडेंटिटी फॉर एनी एक्स वाई जेड इन इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स, वी शो डैट जेड माइनस एक्स नॉर्म का स्क्वायर प्लस जेड माइनस वाई नॉर्म का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1/2 एक्स माइनस वाई नॉर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम जेड माइनस 1/2 एक्स प्लस वाई नॉर्म का स्क्वायर। तो इसमें हम दो तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, या तो आप राइट साइड को सिंप्लीफाई कर लें और फिर लेफ्ट साइड को अलग सिंप्लीफाई कर लें, दोनों के आंसर इक्वल हो जाएंगे, या लेफ्ट साइड को कंसिडर करके हम राइट साइड बनाएंगे, या राइट साइड को इक्वल करके लेफ्ट साइड बनाएंगे। तो इसमें हम कंसिडर करते हैं एक्स प्लस वाई का नॉर्म का स्क्वायर। नॉर्म का स्क्वायर डेफिनेशन के मुताबिक वही है कि हमारे पास एक्स प्लस वाई का और एक्स प्लस वाई का इनर हो जाएगा, तो फिर हम इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, एक्स का एक्स प्लस वाई के साथ इनर अलग और वाई का एक्स प्लस वाई के साथ इनर अलग। और फिर जब एक्स प्लस वाई को और एक्स को इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास कॉन्जुगेट आ जाएगा, और इस तरह यहाँ भी हम एक्स प्लस वाई और वाई को जब इंटरचेंज करेंगे तो कॉन्जुगेट आ जाएगा। फिर अगेन हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं कि एक्स का एक्स के साथ इनर अलग, वाई का एक्स के साथ इनर अलग, फिर एक्स का वाई के साथ इनर अलग और वाई का वाई के साथ इनर अलग, और कॉन्जुगेट भी सेपरेट हो गए। अब एक्स का एक्स के साथ इनर अलग और उसका जब कॉन्जुगेट लिया तो इंटरचेंज होने के बाद दोबारा इटसेल्फ आ गए, तो इसलिए एक्स का एक्स के साथ इनर रह जाएगा, और वाई एक्स के जो इनर का कॉन्जुगेट है वो एक्स वाई इनर के बराबर है, और एक्स वाई के इनर का जो कॉन्जुगेट है वो वाई एक्स के बराबर हो जाएगा, और वाई वाई के इनर का जो कॉन्जुगेट है वो वाई वाई के बराबर ही होगा। तो हमारे पास हासिल क्या होगा, एक्स एक्स का जो इनर है वो बराबर हो जाएगा एक्स नॉर्म का स्क्वायर प्लस एक्स वाई का इनर प्लस वाई एक्स का इनर प्लस वाई वाई का मतलब है वाई नॉर्म का स्क्वायर हो गया। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हासिल हो गई। सिमिलरली आप जहाँ जहाँ वाई है वहाँ माइनस वाई पुट कर दें ऊपर वाले ही रिजल्ट के अंदर, तो आपके पास ये नीचे वाली इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 2, एक्स माइनस वाई नॉर्म का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स नॉर्म का स्क्वायर माइनस एक्स वाई इनर माइनस वाई एक्स इनर प्लस वाई नॉर्म का स्क्वायर। तो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को उन्होंने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद क्योंकि जो टर्म्स एक जैसी हैं वो कैंसिल आउट हो गई, तो आपके पास ये एक्स प्लस वाई नॉर्म का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई नॉर्म का स्क्वायर जो है वो बराबर हो गया 2 टाइम एक्स नॉर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम वाई नॉर्म का स्क्वायर, इसी क्वेश्चन नंबर 3 कर दी। अब हम पुट करते हैं क्योंकि हमने जेड माइनस एक्स फॉर्म भी बनानी है और जेड माइनस वाई फॉर्म भी बनानी है, तो हम पुट कर देते हैं एक्स को जेड माइनस एक्स और वाई को पुट कर देते हैं जेड माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर 3। तो जब हमने पुट किया तो यहाँ बना जेड माइनस एक्स जमा जेड माइनस वाई नॉर्म का स्क्वायर जमा जेड माइनस एक्स माइनस जेड माइनस वाई नॉर्म का स्क्वायर बराबर हो गया 2 टाइम जेड माइनस एक्स नॉर्म का स्क्वायर जमा 2 टाइम जेड माइनस वाई नॉर्म का स्क्वायर। तो यहाँ से देखें जेड जमा जेड 2z हो गया, माइनस एक्स माइनस वाई हो गया, जेड माइनस जेड कैंसिल हो जाएंगे, माइनस एक्स माइनस वाई बच जाएगा, ये 2 टाइम बन गया जेड माइनस एक्स नॉर्म स्क्वायर जमा 2 टाइम जेड माइनस वाई नॉर्म स्क्वायर। तो हम यहाँ से अब देखें 2 आपके पास यहाँ है, जब 2 यहाँ से आप कामन लेंगे तो यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अंदर z माइनस 1/2 एक्स प्लस वाई बच जाएगा, और इसमें से ये कैंसिल हो गया, माइनस एक्स प्लस वाई हो गया नॉर्म का स्क्वायर हो गया, तो इसमें से माइनस आप कामन ले सकते हैं, ये बाकी एज इट इज़ इसमें से माइनस बाहर आया तो x माइनस वाई नॉर्म स्क्वायर हो गया। तो ये इसमें से ये वाला 2 और इधर से जो हमारे पास यहाँ 2 था वो आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास ये इक्वेशन हमारे पास ये बन गई जेड माइनस एक्स नॉर्म स्क्वायर प्लस जेड माइनस वाई नॉर्म स्क्वायर बराबर हो गया 1/2 एक्स माइनस वाई नॉर्म का स्क्वायर प्लस 2 नॉर्म ऑफ जेड माइनस हाफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो ये नोट पे याद रखें कि एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस जो होती है वो नॉर्म स्पेस होती है, क्योंकि इनर प्रोडक्ट जो है इनर प्रोडक्ट से ही हम नॉर्म हासिल करते हैं। अगर किसी वेक्टर स्पेस के ऊपर इनर प्रोडक्ट डिफाइन है, इट मीन्स उसके ऊपर नॉर्म स्पेस डिफाइन है, तो इसलिए एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज़ ए नॉर्म स्पेस। थैंक यू वेरी मच।